अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मुतालिया पाकिस्तान के लेक्चर में मैं हूं आपका टीचर हमाद सलीम। बच्चों आज हमारा थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम पहाड़ी सिलसिलों के बारे में पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान में कौन से पहाड़ी सिलसिले वाकिया हैं, उनकी बुलंद चोटियां कौन सी हैं, मशहूर वादियाँ कौन सी हैं, ये सब हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ लिया। सबसे पहले हम चतह मुल्तफा को स्टडी करेंगे, प्लेटूज, फिर प्लेन्स, मैदानों को स्टडी करेंगे कि पाकिस्तान में कौन से मैदान पाए जाते हैं, और लास्ट में हम वैलीज वादियों को देखेंगे कि वादियां होती क्या हैं और पाकिस्तान में कौन सी वादियां हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा प्लेटूज, सतह मुर्तफा। आपके जहन में होगा सतह मुर्तफा क्या है, प्लेन का तो हमें अंदाज़ा है, मैदानी इलाके का तो हमें पता है, सतह मुर्तफा क्या है। सतह मुर्तफा की सतह पर नशेबो फराज होते हैं। नशेब फराज का मतलब यानी कि डिफरेंस होता है, कहीं पे ऊंचाई आ जाती है, सतह समंदर से बुलंद होता है, और कहीं सतह समंदर पे आ जाता है, यानी कि कहीं पहाड़ी सिलसिले होते हैं और कहीं मैदानी इलाके होते हैं, इसको हम सतह मुर्तफा कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, सतह मुर्तफा के खदोखाल में नशेब फराज मिलते हैं, कहीं पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, कहीं मैदान और कहीं दरियाई वादियां सतह मुर्तफा पर मौजूद होती हैं। सतह मुर्तफा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब पाकिस्तान में कितने किस्म के सतह मुर्तफा पाए जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर सतह मुर्तफा 2 हैं। नंबर 1 पे सतह मुर्तफा पोठोहार, नंबर 2 सतह मुर्तफा बलोचिस्तान। सबसे पहला सवाल, सतह मुर्तफा कहाँ वाकिया है, तो सतह मुर्तफा पोठोहार कोहिस्तान नमक के शुमाल में दरियाए जहलम और दरियाए सिंध के दरमियान वाकिया है। कहाँ पे, दरियाए सिंध और दरियाए जहलम के सेंटर में वाकिया है सतह मुर्तफा। पोठोहारी कौन सा इलाका है, ये वो रावलपिंडी, चकवाल, उसके आसपास का जो इलाका है वो सतह मुर्तफा पोठोहार है, वहाँ पे पोठोहारी जुबान बोली जाती है। सतह मुर्तफा पोठोहार की बुलंदी कितनी है, हमने पहाड़ी सिलसिलों की बुलंदी देखी, वो 900 मीटर से 1000 मीटर, 8000 मीटर तक थी। अब सतह मुर्तफा पोठोहार कितना बुलंद है, सतह मुर्तफा पोठोहार की बुलंदी 600 मीटर तक है। सतह मुर्तफा पोठोहार में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत पाए जाते हैं, यहाँ पे तेल, कोयला, ऑयल, चूना जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, इसके ज़खायर पाए जाते हैं। पाकिस्तान अपने मिनरल ऑयल की जो ज़रूरियात हैं, मादनी तेल की ज़रूरियात, वो इसी सतह मुर्तफा पोठोहार से पूरी करता है, इसी इलाके से पूरी करता है। इसकी सतह अनइवन है, इवन सतह नहीं है, कटी पटी है। यहाँ का मशहूर दरिया जो है वो दरियाए सवां, दरियाए सवान, सवान रिवर है यहाँ का सबसे ज़्यादा मशहूर पॉइंट। सतह मुर्तफा पोठोहार के बाद आ जाता है सतह मुर्तफा बलोचिस्तान। सतह मुर्तफा बलोचिस्तान कहाँ वाकिया है, सबसे पहला ये सवाल है। ये कोहे सुलेमान और कीर्तर के पहाड़ी सिलसिलों के मगरिब में वाकिया है। इसकी बुलंदी कितनी है, इसकी बुलंदी पोठोहार से थोड़ी ज़्यादा है, उसकी 600 मीटर थी, इसकी बुलंदी 900 मीटर तक है। ये इलाका जो है ये बंजर है, ये जरखेज़ इलाका नहीं है। यहाँ पे सहराए बलोचिस्तान वाकिया है, यहाँ पे बलोचिस्तान की झीलें वाकिया हैं, जिसमें सबसे बड़ी झील का नाम है हामून मशेल। हामून कहते हैं ये जो सीजनल झीलें हैं बलोचिस्तान की, जो बारिशों के दिनों में, सैलाब के दिनों में वहाँ पे पानी आ जाता है, और आम तौर पे वो खुश्क रहती हैं, नमकीन झीलें होती हैं, ये सॉल्ट वाटर की लेक्स होती हैं। सतह मुर्तफा बलोचिस्तान के शुमाल में टोबा काकर और चावजी के पहाड़ हैं, जिनके बारे में हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सतह मुर्तफा ख़त्म होते हैं। हमने पाकिस्तान के दोनों सतह मुर्तफा पोठोहार और सतह मुर्तफा बलोचिस्तान को स्टडी कर लिया है।